दोस्तों परसेंटेज के वो फ्रैक्शन जो आपको याद होने चाहिए, यानी आपको परसेंटेज के हर फ्रैक्शन याद होने चाहिए। जैसे कि 4/7 का फ्रैक्शन मैं पूछूं तो उसका परसेंटेज आप डायरेक्ट लिख दोगे, 8/7 का पूछूं तब उसका परसेंटेज डायरेक्ट लिख दोगे, 9/12 का पूछूं तब उसका डायरेक्ट लिख दोगे, 25/2 का पूछूं तब आप उसका डायरेक्ट लिख दोगे। यानी अगर मैं पूछूं 5/7 का तब उसका परसेंटेज डायरेक्ट लिख दोगे। लेकिन लिखोगे कब? जब आपको कुछ बेसिक फ्रैक्शन याद रहेंगे। वो भी क्या आपको याद करने पड़ेंगे? नहीं दोस्तों, वो फ्रैक्शन आपको याद नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर दोगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल इंडिया एग्जाम एजे पे। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा फ्रैक्शन लेकर आया हूँ जो आपको याद रहेगा, तो आप हर सवाल को, चाहे वो इस तरीके से सवाल हो, आप उसका आंसर बता दोगे कि क्या आएगा। बार बार आप फ्रैक्शन में फंस जाते हो, इसी का डाउट मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आइए, आपको कौन कौन से फ्रैक्शन याद रखने चाहिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जो है, सबसे पहले जो है आपको 1/2 का परसेंटेज, यानी 1/2 का परसेंटेज, 1/2 का मतलब क्या हुआ? 50%। एक सेकेंड मार्कर ले लेता हूँ, क्या हुआ? 50%। ठीक है, 1/2 का मतलब 50%, क्योंकि 1/2, आप सोचोगे भाई साहब हम तो गुणा नहीं कर लेंगे, गुणा कर लेंगे नहीं, यानी 1/2 है तो 1/2 को अगर परसेंटेज बदलना है, यानी 1/2 को परसेंट बदलना है, तो 100 से गुना करते हैं। ए बाई बी के रूप में है, ये ए है, ये बी है, ए बाई बी के रूप में है, इसको क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे तो 50% आ जाएगा। तो भाई साहब रट्टा मारने की क्या जरूरत है? ये वीडियो क्यों बना रहे हैं हम? मारे हमरे को याद है, लेकिन वीडियो बना के आप क्यों बता रहे हैं कि 1/2 का परसेंट, अगर 1/2 को परसेंटेज दर बदलना है तो 1/2 × 50 करेंगे, सॉरी 100 करेंगे तो 50% आएगा, क्यों बता रहे हो? अब सुनो यहाँ ध्यान से कि 1/2 50% हुआ, हाँ या ना? अगर मैं पूछ दूँ, अभी मैंने सर सवाल शायद सवाल किया कि 25/2, 1/2 अगर 50% है, 1/2 अगर 50% है, तो सबसे पहले मैं कहूँ 3/2, तो आप क्या गुना करोगे? 3/2 × 100, ये 50 से कट गया तो आया कितना? 150%। क्या आप गुना करोगे इस तरह से? आप क्या करो, 1/2 50%, तो 3/2 3 गुना, तो 150%। अगर मैं कहूँगी 7/2 कितना होगा, तो 7 गुना, इसका 7 गुना कितना होगा? 350 होगा ना, 7×5 = 35, 7 गुना, अरे 1/2 50%, तो 7/2 350% हुआ कि नहीं? अगर या तो आप ऐसे निकालते, 7/2 × 100, इससे काटते 50 बार में, 50 × 7 = 350, इस तरीके से निकालते। इसलिए कहा कि परसेंटेज के वो बेसिक फ्रैक्शन जो आपको याद ही होने चाहिए, जिससे आप बना सकते हो शॉर्ट ट्रिक में। तो आपको कौन कौन से फ्रैक्शन कंठस्थ याद रखने हैं, और हर फ्रैक्शन का निचोड़ आप बता दो, चाहे आपसे कोई फ्रैक्शन पूछा जाए आप मुजबानी बता दोगे। जैसे आपसे कोई भी 5/8 पूछा जाए, आप कह दोगे 62% हुआ। इतनी जल्दी भाई साहब, इतनी जल्दी आप कैसे बता दिए? यानी आपको कौन कौन से फ्रैक्शन याद रखने हैं आप नोट डाउन कर लो, आप कॉपी निकाल लो, कॉपी कलम निकाल के लिख लो कि आपको इस फ्रैक्शन के, आपको इस फ्रैक्शन को याद करने हैं। तो आपको कौन से फ्रैक्शन याद करने हैं? पहला 1/2 वाले, वो तो आप जानते हो 50%। 1/3 वाले, जिसके होते 33 पूर्णांक 1/3%, 33 पूर्णांक 1/3%। और फिर 1/4, 1/4 का फ्रैक्शन क्या होगा? 25%। 1/4 का फ्रैक्शन क्या होगा परसेंटेज में? 1/4 का अगर मैं फ्रैक्शन, 1/4 फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज निकालेंगे, 1/4 × 25 लिख, सॉरी 100 लिखोगे तो 25 आएगा। यानी अगर सबको 100 से लिखना ही है, इतना आसान है, तो क्यों माथा भुकाना? फिर इसमें भी वही बात, 1/4 का फ्रैक्शन क्या हुआ, यानी सॉरी 1/4 का परसेंटेज क्या हुआ, परसेंटेज दर, यानी 1/4 × 100, तो क्या हो गया? 25%। तो 25% हो गया, ध्यान से देखना, तो 25% हो गया 1/4 का। तो मैं कहूँ भाई साहब 3/4 का बता दीजिए, बताइए जरा, 1/4 का 25%, तो 3/4 का 75%, 1/4 का 25%, तो आप कहोगे 3/4 के जरा बताइए, 3/4 का 3 गुना, तो 75% आप लिख दियो ऐसे करके, हाँ या ना? सही बात है कि गलत बात? अब मैं इसको मिटाइयो और बताइयो डिटेल इसका। सबसे पहले एक बात समझियो का,
कि इस तरह से आपको कितने याद करने हैं, कितने याद रहेंगे, तो 8/9, 7/9, 7/5, 4/5, 3/2, 20/3, चाहे कोई भी हो, 1/30 या 50/30, ऐसे फ्रैक्शन आप मुझे वाली बता।